आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th का फर्स्ट चैप्टर सॉलिड स्टेट। इससे पहले क्लास 11th में आपने एक चैप्टर पढ़ा होगा स्टेट ऑफ मैटर, तो उसमें तीन तरह के स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़े थे, सॉलिड, लिक्विड और गैस। यहाँ पे हम बेसिकली फोकस करने वाले हैं सॉलिड पे, तो उसकी कुछ प्रॉपर्टीज पढ़ेंगे पहले कि जो उसको दूसरे स्टेट ऑफ मैटर लिक्विड और गैस से अलग करती है। तो पहली प्रॉपर्टी ये है कि जो इसके पार्टिकल्स होते हैं सॉलिड के, वो कैसे होते हैं, क्लोजली पैक्ड होते हैं। जैसे कि आप ये देखिए फिगर, इसमें जो ये पार्टिकल्स हैं कैसे हैं, सॉलिड के क्लोजली पैक्ड है। अब कोई चीज ऐसी तो होनी चाहिए जिसकी वजह से पार्टिकल आपस में अटैच होंगे ज्वाइन करने के लिए, तो इन्हें ज्वाइन करने के लिए स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होती है। तो मैं ये कह सकता हूँ सॉलिड की पहली प्रॉपर्टी ये होती है कि उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो क्लोजली पैक्ड होते हैं और किससे हेल्ड होते हैं, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस। सेकेंड ये है जो इसके कंस्टेंट पार्टिकल्स हैं इनकी क्या है, फिक्स पोजिशन है, अपनी जगह पे रुके हुए हैं और जिसके वजह से वो अपनी जगह पे सिर्फ ऑसिलेट कर सकते हैं, आगे कहीं जा नहीं सकते, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी ये होती है सॉलिड की, दे हैव अ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। उनका जैसे ये आप देख रहे हैं मार्कर है, तो मार्कर को आपको देख के पता चल गया सिलेंडर शेप है। मतलब कोई भी चीज को आप अगर देखो, जैसे क्यूब है, क्यूबॉइड है, मैचस्टिक है, तो आपने बोला क्यूबॉइड, तो देख के आप उसकी शेप को बता सकते हैं और उसकी डेफिनेट शेप तो है ही सॉलिड की, साथ साथ उसकी वॉल्यूम भी डेफिनेट है। चौथी प्रॉपर्टी ये होती है कि उसकी डेंसिटी हाई होती है। अब डेंसिटी का आपको नॉर्मली फॉर्मूला पता ही है कि क्या होता है, मास अपॉन वॉल्यूम। अब मास यहाँ पे सॉलिड में हमेशा ज्यादा होता है। ज्यादा क्यों होता है, क्योंकि कंस्टिट्यूटिव पार्टिकल्स काफी क्लोजली पैक्ड है और इतने ठोस है वो, जिसके वजह से वो मास ज्यादा है और मास ज्यादा है तो डेंसिटी भी ज्यादा होगी, ठीक है। और लास्ट प्रॉपर्टी सॉलिड की ये होती है कि दे वो लो कंप्रेसिबल होते हैं। जैसे आपने देखा होगा हम पंप्स यूज करते हैं घर पे, तो हवा भरने के लिए, तो उसमें वो इजीली आप उसको अगर आप कंप्रेस करेंगे तो गैस इजीली कंप्रेस हो जाती है, पर इन केस ऑफ सॉलिड वो क्या होते हैं, लो कंप्रेसिबल, आप इनको कंप्रेस नहीं कर पाते। अभी तक हमने पढ़ा प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड के बारे में। अब जो सॉलिड होते हैं वो जनरली क्लासिफाई होते हैं टू टाइप्स में, एक होते हैं क्रिस्टलाइन और दूसरे क्या होते हैं, एमॉर्फस सॉलिड। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के कुछ डिफरेंस हैं कि ये दोनों आपस में अलग क्यों हैं। तो पहली इसकी प्रॉपर्टी है ये इनकी डेफिनेट शेप होती है। अब क्वेश्चन ये हो कि इनकी डेफिनेट शेप क्यों होती है, इसलिए होती है क्योंकि क्रिस्टलाइन सॉलिड में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, यहाँ पे क्या होता है, रेगुलर अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का। तो कभी भी टर्म अगर आप पढ़ो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स, तो इसका मतलब ये होता है कि ये एटम भी हो सकते हैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल, मॉलिक्यूल्स भी हो सकते हैं और आयंस भी हो सकते हैं, ठीक है। तो क्रिस्टलाइन सॉलिड में पहली प्रॉपर्टी जो डेफिनेट शेप है वो इसलिए होता है क्योंकि जो अरेंजमेंट है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल का वो क्या है, रेगुलर है। जैसे कि ये फिगर में आप देख सकते हो कि जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल है रेगुलर है, रेगुलरली अरेंज है। सेकंड है, अब हम बात करते हैं एमॉर्फस सॉलिड में, इसकी जो पहली इसकी प्रॉपर्टी क्या है, इरेगुलर शेप है, और इरेगुलर शेप इस वजह से है क्योंकि यहाँ पे इरेगुलर अरेंजमेंट होता है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का, इरेगुलर अरेंजमेंट। नाउ सेकेंड प्रॉपर्टी, अब सेकेंड प्रॉपर्टी क्रिस्टलाइन सॉलिड की ये होती है कि वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर शो करते हैं। क्या शो करते हैं, लॉन्ग रेंज ऑर्डर। जैसे अभी फिगर में देखो तो ये इनका जो कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल रेगुलरली अरेंजमेंट है, तो जो इनका रेंज है, नेटवर्क है, वो क्या है, लॉन्ग रेंज है। बट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड व्हाट दे आर शोइंग शॉर्ट रेंज ऑर्डर, शॉर्ट रेंज ऑर्डर। थर्ड प्रॉपर्टी ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड इज मेल्ट एट शार्प एंड करैक्टरिस्टिक टेम्परेचर।
करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर। जैसे आपको पता होगा कि जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो क्या होता है, एक ऐसा टेम्परेचर, एक ऐसा तापमान जब मेरा सॉलिड किस में कन्वर्ट हो जाए, लिक्विड में हो जाए। तो वही कह रहा है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो शार्प है, सही। और करेक्टरिस्टिक टेम्परेचर मतलब टेम्परेचर यहाँ फिक्स है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो अगर टेम्परेचर मेरा 110 है, तो इस टेम्परेचर पे ये क्रिस्टलाइन सॉलिड अपनी एक स्टेट को छोड़ के दूसरी स्टेट में चेंज हो जाएगा, यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट फिक्स है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ एमॉर्फस सॉलिड में, यहाँ पे सॉफ्टन होते हैं ओवर एंटायर रेंज ऑफ टेम्परेचर। दैट मीन्स कि यहाँ पे ये मेल्ट होंगे पर इनका टेम्परेचर यहाँ पे फिक्स नहीं होगा। मान लो 90 और 110 है, तो उसके बीच में रहेगा, चेंजेस करेगा टेम्परेचर, तब जाके मेल्ट होगा, पर फिक्स नहीं है। नाउ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी जो क्रिस्टलाइन सॉलिड की है, दैट इज एन आइसोट्रॉपिक इन नेचर। एंड इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड दे आर आइसोट्रॉपिक इन नेचर। अब ये क्या है, आइसो का मतलब क्या होता है, सेम, ट्रॉपिक का मतलब क्या होता है, लेवल। तो अगर किसी ने पूछा कि आइसोट्रॉपिक होते क्या है, तो इसकी डेफिनेशन ये हुई, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। फिजिकल प्रॉपर्टीज कुछ भी हो सकती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जैसे, ठीक है। अगर मैं एनआईसो की बात करूं, यहां पे हो गया इसका मतलब, एन का मतलब डिफरेंट क्या, फिजिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो एनआईसोट्रॉपी का मतलब क्या हुआ कि डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टी है डिफरेंट डायरेक्शन में। जैसे अभी मैं बताऊंगा क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक एग्जांपल क्या होता है, NaCl और क्वार्ट्ज। अब मैं यहाँ पे NaCl का ही एक एग्जांपल लूँ, तो NaCl को अगर आप ब्रेक करोगे तो किसमें ब्रेक होगा, Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव आयंस में। तो इसके मैं कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल एक फिगर बनाता हूँ इसको। तो आप यहाँ पे देखो कि ये Na पॉजिटिव है, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव, Cl नेगेटिव। ये कुछ नहीं, जो ये वाला फिगर था उसी से रिलेटेड है, मतलब ये कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, क्या है, आयंस है, ठीक है। तो जब आपने इसको आप डिफरेंट डायरेक्शन में आप इसको ले गए, तो आप ये देख पा रहे हैं यहाँ कैटायन है, यहाँ एनायन है। तो जब डिफरेंट डायरेक्शन में ले गए तो क्या हो रही है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग आ रही है। डिफरेंट डायरेक्शन में जब आप ले गए तो कैटायन भी आ रहा है और एनायन भी आ रहा है, ठीक है। जैसे ये फिजिकल प्रॉपर्टी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वगैरह। नाउ नेक्स्ट थिंग इज, अब अगर ये बोल्ड पॉइंट्स में आया तो यहाँ पे ये डिफरेंस पूछ लेते कि एनाइसोट्रॉपिक और आइसोट्रॉपिक क्या है। पर अगर बात करूँ कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की, तो वहाँ पे जनरली ये पूछ देते हैं, एग्जाम्पल देखे कि आइसोट्रॉपिक का एग्जाम्पल किस में आता है और एनाइसोट्रॉपिक किस में आता है, तो इसमें कन्फ्यूजन हो जाता है। इसकी मैं ट्रिक बता देता हूँ। तो एनाइसोट्रॉपिक में अगर इस वाले में आके ट्रिक याद कर लेना, दैट इज कैट। कैट का मतलब यहाँ पे ये हुआ, सी फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड्स और ए फॉर क्या हो गया, एन आइसोट्रॉपिक एंड टी फॉर ट्रू सॉलिड्स। टी क्या हो गया, ट्रू सॉलिड्स हो गए, ठीक है। कभी ऐसा क्वेश्चन जनरली कहीं स्टूडेंट ऐसा सोचते हैं कि एनआइसोट्रॉपिक है तो एमॉर्फस सॉलिड होगा, पर ऐसा नहीं है। तो आप ये वर्ड याद रखना, इससे आपका कभी क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है। कैट क्रिस्टलाइन सॉलिड और वो एनआइसोट्रॉपिक होते हैं, ट्रू सॉलिड्स होते हैं। तो यही इसका अगला पॉइंट है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, कि दे आर ट्रू सॉलिड्स। ये कैसे सॉलिड्स हैं, ट्रू सॉलिड्स हैं। बट इन केस ऑफ एमॉर्फस सॉलिड दीज आर सूडो सॉलिड्स, ये सूडो सॉलिड्स होते हैं। और सूडो का मतलब होता है फॉल्स, सूडो का मतलब होता है फॉल्स। और इन्हीं को एक दूसरा नाम दिया है, सुपर कूल्ड लिक्विड। अब इन्हें सुपर कूल्ड लिक्विड क्यों कहते हैं, जनरली आपने देखा होगा कि जो पुरानी मॉन्यूमेंट्स होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, उसकी जो ग्लास पेन्स होते हैं विंडोज की,
तो उसमें जो नीचे का जो पोर्शन होता है वो थिकर होता है कंपैरिजन टू जो अब ऊपर वाला सरफेस है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो ग्लास की प्रॉपर्टी होती है कि पेंट की वो फ्लो करता है पर बहुत स्लोली फ्लो करता है, और इसीलिए वो किस कैटेगरी के अंडर आ गया, एमॉर्फस सॉलिड के आ गया। तो अब इसी से इसका एग्जाम्पल बन गया। तो इसका मतलब इसके एग्जाम्पल में क्या आ गया, एक तो ग्लास आ गया, एक रबर और आता है और एक प्लास्टिक, और भी एग्जाम्पल्स हैं पर जनरली ये हैं। और यहाँ पे एग्जाम्पल्स क्या हो गए, क्रिस्टलाइन सॉलिड के, NaCl और क्वार्ट्ज। तो प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड पढ़ी, फिर उसके बाद हमने क्रिस्टलाइन एमॉर्फस सॉलिड पढ़े। अब क्रिस्टलाइन सॉलिड के चार पार्ट्स में क्लासिफाइड होता है, मॉलिकुलर सॉलिड, आयनिक सॉलिड, मेटलिक सॉलिड एंड फोर्थ वन इज कोवलेंट सॉलिड और नेटवर्क सॉलिड। अब इनकी कुछ प्रॉपर्टीज हैं उनके बारे में डिस्कस करते हैं। पहली होती है कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स। तो अगर मैं मॉलिक्यूल्स की बात करूँ तो मॉलिक्यूलर सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या हो जाएंगे, मॉलिक्यूल्स हो जाएंगे, ठीक है। आयनिक सॉलिड में क्या हो जाएंगे, आयन्स हो जाएंगे। आयन्स कुछ भी हो सकते हैं, कैटायन्स भी हो सकते हैं और एनायन्स भी हो सकते हैं। अब मैं बात करूँ मेटेलिक सॉलिड में तो हो जाएंगे पॉजिटिव आयन्स इन अ सी ऑफ डी, इन अ सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, पॉजिटिव आयन इन अ सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन्स, ये क्या होता है इसको मैं भी बताता हूँ। फिर कोवेलेंट सॉलिड की अगर मैं बात करूँ तो उसके कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल जो होते हैं वो होते हैं एटम्स, ठीक है। अब मेटेलिक सॉलिड में ये इस टर्म का मीनिंग क्या हुआ, सही है। तो जैसे कि आप मेटल्स, आपको पता है मैग्नीशियम हो गया, आयरन हो गया, किसी को भी ले लेते हैं। मान लो मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर कितना है, 12 है। इसकी कॉन्फिगरेशन की बात करूँ 2 8 2 है, ये आपको पता ही होगा, KLMN शेल वाली। तो चाहे मैं हूँ चाहे आप हो, कोई भी इस यूनिवर्स में हर थिंग, कोई भी चीज अपने आप को क्या चाहती है, स्टेबल होना चाहती है। उसी तरह से एटम भी अपने आप को क्या चाहता है, स्टेबल होना चाहता है। तो वो क्या करेगा, अपने 2 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देता है तो वो क्या बना देगा, Mg2 पॉजिटिव बना देगा, ठीक है। अब क्या होगा, अब ये मान लो मैग्नीशियम का मेटल बना हुआ है तो Mg पॉजिटिव 2 Mg पॉजिटिव 2 ऐसे करके बहुत सारे हैं, और जो इलेक्ट्रॉन्स थे जो ये दो बच गए थे, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये कहाँ है, ये ऐसे इसमें पूरे फैले हुए हैं चारों तरफ से। ये देखो आप ऐसे देख लो, बाहर से मैंने इन्हें कर देता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन्स ये आपस में ऐसे फैले हुए हैं। तो अब इसको इससे भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि एक एक क्या कहते हैं, किसी में हमने पानी भर के रखा हुआ है, ठीक है, और उसमें मैंने क्या कर दिया, आइस क्यूब्स डाल दिए हैं, ठीक है। तो जो आइस क्यूब्स हो गए वो तो यहाँ पे पॉजिटिव आयंस की तरह हो गए, और जो वाटर हो गया वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन्स हो गया। तो इसका मतलब क्या, अब टर्म समझो, पॉजिटिव आयंस इन अ सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, जो पॉजिटिव आयंस है वो तैर रहे हैं समुद्र की, किसकी के, कौन समुद्र में, किस में, इलेक्ट्रॉन्स में, इन सी ऑफ डी लोकलाइज इलेक्ट्रॉन, समझ आ गया टर्म। अब हम आगे पढ़ते हैं अट्रैक्टिव फोर्सेस के बारे में। अगर मैं मॉलिकुलर सॉलिड की बात करूं तो यहाँ पे अट्रैक्टिव फोर्सेस जो आती हैं वो होती हैं वैंडरवॉल फोर्सेस, और ये क्या होती हैं, वीक वीक होती हैं। तो जो अट्रैक्टिव फोर्सेस हो गई वैंडरवॉल फोर्सेस हो गई। नाउ कम्स टू आयनिक सॉलिड। आयनिक सॉलिड में क्या, अब इसी में मैंने बात कर रहा था आयनिक बॉन्ड। तो जो आयनिक बॉन्ड है ये कैसे बनता है तो आपको पता है, तभी मैं एक रिकैप करा देता हूँ। जैसे मान लो इसका एग्जांपल क्या होता है आयनिक बॉन्ड के, NaCl, तो Na और Cl, तो Na की कॉन्फिगरेशन कितने हुए, 2 8 1, क्लोरीन कितने हुए, 2 8 7। तो सोडियम भाई साहब अपने 1 इलेक्ट्रॉन को लूज कर देंगे, क्यों कर देंगे, क्योंकि ये क्या चाहते हैं, अपने आप को स्टेबल बनना चाहते हैं। अब मैं क्लोरीन की बात करता हूँ, क्लोरीन के पास अगर 1 इलेक्ट्रॉन कहीं से मिल जाए तो ये अपने आप की स्टेबिलिटी पा लेगा, तो वो क्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन कर लेता है। अब Na पॉजिटिव है, क्लोरीन नेगेटिव है, तो कैटायन और एनायन है, तो पॉजिटिव चार्जेस क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं और ये मिलके क्या बना देते हैं, बॉन्ड बना देते हैं, और इसी बॉन्ड को कहते हैं हम आयनिक बॉन्ड, ठीक है। तो जो बॉन्ड्स अपोजिट चार्ज के मिलने से बने दैट इज नोन एज आयनिक बॉन्ड। अब मैं बात करता हूँ मेटेलिक सॉलिड्स में। तो जो मेटेलिक सॉलिड्स हैं तो उनकी अट्रैक्टिव फोर्सेस होती हैं मेटेलिक बॉन्ड, एंड कोवेलेंट सॉलिड की होती हैं
कोवेलेंट बॉन्ड। तो कोवेलेंट बॉन्ड कैसे बनता है ये भी आपको बता होगा, तो इसको भी मैं रिकैप करा देता हूँ। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनता है शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से। जनरली क्लोरीन एटम है, इसकी कॉन्फिगरेशन 287 है, 287 है। तो अगर मैं बाहर से इसकी दिखाऊं डॉटेड स्ट्रक्चर, तो इस क्लोरीन भाई सबको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, तो एक इलेक्ट्रॉन ये इससे ले लेगा और ये भी एक इलेक्ट्रॉन इससे ले लेगा। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। जब शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से कोई बॉन्ड बनता है दैट इज नोन एज अ कोवेलेंट बॉन्ड। तो जनरली आपने अगर मैं क्लोरीन ऐसे देखा होगा, अभी ऑर्गेनिक में पढ़ेंगे तो होमोलिटिक फिजन हुआ तो ये ब्रेक होके कहीं ऐसे बना देता है, तो ये यही चीज है, दैट इज अ कोवेलेंट बॉन्ड। नाउ इट कम्स टू द मेल्टिंग पॉइंट। अब अगर देखो वैन डर वाल फोर्सेस है वीक है, और मेल्टिंग पॉइंट हमने पढ़ा था कि एक ऐसा टेम्परेचर जहां पे वो इजीली मेल्ट हो जाए, तो वैन डर वाल फोर्सेस वीक होने की वजह से तो यहाँ पे तो मुझे बहुत कम वो देनी पड़ेगी हीट, तो बहुत कम टाइम मेल्टिंग पॉइंट होगा, तो इसलिए मैं कहूंगा यहाँ पे मेल्टिंग पॉइंट कैसा होगा, लो होगा। आयनिक में थोड़ा ज्यादा हो जाता है, ठीक है, एंड इसमें क्या होता है फेयरली हाई, और इसमें क्या होता है वेरी हाई, सबसे ज्यादा इसमें कोवेलेंट में होता है। इस वजह से होता है क्योंकि शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रहे हैं, तो सेम सेम जैसे कार्बन कार्बन डायमंड का बनेगा, तो वहां पे जो बॉन्ड बन रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग है कंपैरिजन टू जितने और बॉन्ड्स बन रहे थे हमारे, तो उसमें वहां पे मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा हो गया। अब मैं बात करूं अगर इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी की, तो ये जो मॉलिक्यूलर सॉलिड होते हैं वो इंसुलेटर की तरह काम करते हैं। आयंस की बात करूं वो भी इंसुलेटर की तरह काम करते हैं, बट अगर मैं इनको मॉल्टन स्टेट में बात करूं या एक्वस स्टेट में बात करूं, तो ये बिहेव कैसे करते हैं, कंडक्टर की तरह। जैसे NaCl है, तो NaCl नॉर्मली जब है तो वो तो इंसुलेटर है, और बट अगर उसको मैंने आयंस में ब्रेक डाउन कर दिया तो वो क्या बिहेव करेगा, कंडक्टर की तरह बिहेव करेगा। उसके बाद मेटलिक सॉलिड, इनमें तो आयंस होते हैं इलेक्ट्रॉन्स है जो करंट कंडक्टर है, करंट कैरी करते हैं, तो ये तो कंफर्म है ये तो कंडक्टर ही होंगे। और उसके बाद कोवेलेंट की बात करूँ, ये डायमंड वगैरह के जो एग्जाम्पल होते हैं होते तो इंसुलेटर हैं, ये भी बस एक एक्सेप्शन है, इसमें ग्रेफाइट का केस है। तो जैसे इसमें एग्जाम्पल में बता रहा था डायमंड हो गया, बस एक ग्रेफाइट का एक ऐसा केस है जो जहाँ पे वो कंडक्टर की तरह बिहेव करते हैं, और सब में वो क्या है, इंसुलेटर है। तो अब मॉलिक्यूल सॉलिड की एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पे H2 हो गया, H2O हो गया, यहाँ पे NaCl की बात कर रहा था, यहाँ पे I